हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुबे घास के बारे में। ये काफ़ी उपयोगी और गुणकारी मानी जाती है। इसको काफ़ी शुद्ध माना गया है। इसका प्रयोग हम हवन में या पूजा में करते हैं और इसे काफ़ी पवित्र भी माना जाता है। ये दवाइयों में भी यूज़ होती है क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर, कैल्शियम, पोटाशियम और फास्फोरस पाया जाता है। अगर हम बात करें घरेलू उपचार के बारे में, तो अगर किसी को एसिडिटी प्रॉब्लम है और उनके पेट में सूजन है, तो वो दुबे घास को पीस लें। इसके 3-4 चम्मच अगर आप सुबह खाली पेट लेते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और जिन बच्चों को खुजली की शिकायत है, वो दुबे घास को कूट कर 4 गुना पानी में इसे पका लें। जब एक भाग बच जाए तो उसे छानकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल व कपूर मिलाकर अपने शरीर पर उसकी मालिश करें। इससे खुजली जो है जल्द ही ख़त्म हो जाएगी और आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा जिनको बुखार है, वायरल फीवर है या मलेरिया है, वो दुबे घास को पीस कर उसका रस निकाल कर थोड़ा पानी मिलाकर 2-2 चम्मच उसे पिलाएं। इससे मलेरिया का वायरल फीवर जो है वो उसी दौरान ख़त्म हो जाएगा। उससे होने वाली जो कुछ परेशानियां हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। जिन लोगों को जलोंदर की प्रॉब्लम है, तो वो दुबे घास को पीस कर थोड़ी काली मिर्च मिलाकर दिन में 3-4 बार पिए। इससे जलोंदर की परेशानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, जिनको पेट की प्रॉब्लम है, पेट में सूजन है या उनके पेट का जो दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो दोस्तों उनको दुबे घास का उनको रस निकालना होगा। 3-4 चम्मच उस रस में एक चुटकी सौंठ मिलाकर सुबह उसका सेवन करने से उनकी जो प्रॉब्लम है, उनका दर्द है, जो उनकी सूजन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे एक दुबे घास के फ़ायदे जो काफ़ी आसानी से हमें मिल जाती है, हर जगह ये पाई जाती है, तो इसे ढूंढने के लिए ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेशंस जो है वो आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।